हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके के कैसे जबरदस्त वीजा के बारे में। मोस्टली कमेंट्स आते हैं कि हमारा यूरोप में कोई नहीं है, हमें कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं है, हम कहीं से पैसे देकर वर्क परमिट अरेंज नहीं कर सकते। तो खुश हो जाए क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे वीजे के बारे में बताऊंगी जिसमें किसी स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं से आपको ऑफर लेटर या जॉब ऑफर लेटर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपके पास थोड़ी सी स्किल्स होनी चाहिए, मतलब कोई ऐसा मुनफरिद सा काम होना चाहिए जो आप यहाँ पर अप्रूव करवाएंगे। कुछ कंपनीज का भी आपको बताऊंगी जहां से आप अप्रूव करवा सकते हैं। उसके बाद अप्रूव करवाने के बाद आप यूके में अपनी फैमिली में 3 साल के लिए वर्क परमिट पर काम कर सकते हैं। और जिस वीजे पर आप आएंगे उसके अलावा भी आप यहाँ पर कोई और भी काम कर सकते हैं, इसकी भी डिटेल आपको बताऊंगी। तो ये वीजा कौन सा है, कहाँ पर अप्लाई करना है, इसकी टोटल फीस कितनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, आपको यहाँ पर आकर क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ यूके की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेंगे। तो इस वीजे का नाम इनोवेटर फाउंडर वीजा है। तो सबसे पहले आपने वीजा अप्लाई करने से पहले उसकी डिटेल जानने से पहले इंडोर्सिंग बॉडीज के बारे में जान लेते हैं। मीन जिन कंपनी से आपने अप्रूवल लेना है वो कौन कौन सी कंपनीज है। तो यहाँ पर HTML की फाइल है, आपने उस फाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये कंप्लीट डिटेल दी हुई है, ठीक है। इनके नाम, इन कंपनीज के नेम दिए हुए, आपने सिंपल इनको अपना जो भी प्रपोजल है, जो काम आप यूके में जाके करना चाहते हैं, जो आइडिया है आपके पास, तो उसका आपने प्रपोजल बना के इनको सेंड कर देना है और यहां से आपको अप्रूवल मिल जाएगा। इनका ईमेल आईडी, इनका फोन नंबर, सारा कुछ कंप्लीट डिटेल यहां पर गिवन है। तो आप बात कर लेते हैं इस इनोवेटर फाउंडर वीजा की बाकी की डिटेल के बारे में। सबसे पहले अगर ओवरव्यू की बात की जाए तो यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो है वो ऑथेंटिक कोई स्किल होना चाहिए, ऑथेंटिक कोई आइडिया आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो उसमें भी इन्होंने यही लिखा हुआ है कि कोई आपके पास कोई न्यू बिजनेस आइडिया होना चाहिए जिसके बारे में आपने प्रॉपर प्रूफ देना है कि वाकई इसकी ग्रोथ अच्छी है, आपके पहले भी अगर काम कर चुके तो वो सारा कुछ बताना है। आपकी नॉलेज ऑफ इंग्लिश आपकी इतनी होनी चाहिए कि आपको लिखना पढ़ना और सुनना जो मतलब आप कम्युनिकेट कर सके इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और इसके अलावा अगर आप जो है वो यहाँ पर लिख देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, आप 3 साल तक यहाँ पर रह सकते हैं। उसके बाद आप इसको मजीद जो है वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं 3 साल के लिए। अगर आपकी जो है वो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इसको स्विच भी कर सकते हैं, आप किसी और वीजा में भी स्विच कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो भी सारा यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप आउटसाइड द यूके हैं वहां से अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, वो कम्प्लीट डिटेल आपको शो कर देंगे कि कैसे कैसे कौन से प्रोसीजर फॉलो करने हैं। इसके अलावा अगर इनसाइड हैं, अगर आप एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं कोई करंट वीजा तो आप वो कैसे करेंगे, या आप इनसाइड यूके हैं और स्विच करना चाह रहे हैं किसी और वीजा में, जिस वीजे पर आए हैं उससे किसी और में करना चाह रहे हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपने पार्टनर या अपने बीवी बच्चों का भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो क्या डिटेल होंगी, वो सारा कुछ जो है वो आपको मिल जाएगा। तो अगर देखे जाए ये वीजा कितने टाइम में लग जाएगा, तो अगर आप यूके से बाहर से अप्लाई करें तो 3 हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो आपको डिसीजन मिल जाएगा कि आपका वीजा लगा है या नहीं लगा। और अगर वीजे की फीस की बात की जाए तो आपके पास 1,191 जो है वो पर पर्सन आपका अप्लाई करने की फीस लगेगी। और अगर आप इनसाइड यूके हैं तो आपको स्विच करने में 1,486 जो है वो पर पर्सन लगेगी। इसके अलावा आपको हेल्थ केयर जो है वो चार्जेस पे करने पड़ेंगे, वो कितने हैं वो भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप एक्सटेंड कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, उसकी भी फीस जो है वो लगेगी। इसके अलावा जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जो से चाहिए वो आपको शो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप वहां पर जाकर क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, तो यही बेनिफिट्स सबसे बड़ा है कि आप इस बिजनेस के साथ साथ भी अपने कोई और भी काम कर सकते हैं। आप हफ्ते में 20 घंटे कोई और काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा और डिफरेंट जो है वो बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। तो अगर बात की जाए कि आपको कौन से बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर आप कोई भी पब्लिक बेनिफिट्स जो होते हैं जैसे बच्चों के पैसे होते हैं, ये चीजें आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, एंड पे जाके वो अप्लाई कर सकते हैं, शुरू में आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं। इसके अलावा अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपका होना चाहिए कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, आप 18 ईयर से बड़े होने चाहिए। इसके अलावा जो है वो आपके पास थोड़ा सा बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है वो क्योंकि आपने खुद अप्लाई करना है तो आपको ये सारी एक दफा पढ़नी चाहिए, सारी डिटेल आप खुद पढ़ सकते हैं। मेन मेन जो पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके अलावा अगर आप इंग्लिश नॉलेज देखें तो आप आइल्स कर सकते हैं, या इसके अलावा आपको B2 जो है वो प्रूफ देना पड़ता है कि वाकई आपको इंग्लिश आती है। अगर आप इन कंट्रीज से आ रहे हैं तो स्विच कर
कर रहे हैं या आप विजिट कर रहे हैं या इस वीजे पर आ रहे हैं तो आपको इंग्लिश जो है वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं कि आपको अपना वैलिड पासपोर्ट शो करना देना है, बैंक स्टेटमेंट शो करनी है जिसमें 1270 जो है वो होनी चाहिए, इसके अलावा प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो शो करना है, उसके अलावा टीबी का जो कोर्स होता है वो आपने शो करना होता है, मतलब मेडिकल टेस्ट आपको देकर इनको शो करना है। ठीक हो गया। अगर आप यूके के बाहर से अप्लाई कर लें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से अप्लाई कर लें, तो मीन ये चीजें आपको शो करनी है, लाइक वीजा एप्लीकेशन सेंटर पे जाना है, वहां पर बायोमेट्रिक वगैरह देने हो, बाकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपने शो करने होते हैं। ठीक है, बाकी की कंप्लीट डिटेल आप खुद से रीड कर सकते हैं। तो यही थी अब तक के लिए डिटेल, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दे, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट, एक नए वीजे डिटेल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।